सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार आप सभी लोगों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु महान है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया है ताकि हम बच जाएं, हम बचाए जाएं। जी हाँ, परमेश्वर की यह दया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज का जो वचन है, प्रभु हमसे कुछ इस प्रकार कहना चाहता है। बाइबल हम बताती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जी हाँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जी हाँ, यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोड़े लगवाए। जी हाँ, यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए कि हम बच जाएं, हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं, हमारे गुनाह क्षमा किए जाएं। जी हाँ मसीह भाइयों और बहनों, मैं आप प्रदीप कुमार, पास्टर प्रदीप कुमार, अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु ने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। जी हाँ, जो अपराध हमने किए थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए कि हम बचाए जाएं। जी हाँ, ये परमेश्वर की योजना थी।